नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जनरली मैं जो राशिफल है वो मून राशि के बिहाफ पे मैंने वार्षिक राशिफल दिया, बट न्यूमरोलॉजी व्यक्तिगत वर्ष के आधार पर 2018 डिफरेंट नंबर्स के लिए, आपके जो व्यक्तिगत नंबर डिफरेंट नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, उनके लिए कैसा रहेगा ये मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने के लिए। जब भी नया साल आता है तो हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले वर्ष में उसके लिए क्या लिखा है, कैसा रहेगा नया वर्ष। इस दृष्टि से हम जानते हैं कि सर्वप्रथम बात करें कि 2018 में जो 2, 0, 1 और 8 है वो है क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम देखें, तो यदि हम इन सबको सम करते हैं 2, 0, 1, 8 को, तो जो नंबर आता है वो 11 आता है। यदि उसका एकल नंबर देखा जाए तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 2 के अंदर जो आपका 2018 में जो 0 है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। 2, 1 जो नंबर जो 2 है वो 1 + 1 को मिलाकर बनता है। 1 नंबर जैसे सूर्य को प्रतीक करता है। तो यदि देखा जाए मोटे तौर पर 2018 जो है भावनाओं से परिपूर्ण और आध्यात्मिकता की तरफ आप समर्पित मोस्ट ऑफ द टाइम, इससे आपका ये जो नंबर ईयर है इससे गवर्न रहेगा। नंबर 2 चंद्रमा का जो प्रतीक करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जो भावना और रचनात्मक से बेसिकली इंसान की जो रचनात्मक वाली साइड है उसको रिप्रेजेंट करता है। 2018 हमारी रचनात्मक प्रेम और दया की भावनाओं को व्यक्त करेगा। 2 नंबर प्यार का प्रतीक है। 2 नंबर भावनात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। अतः 2018 में काफ़ी लोग निराशाजनक और दिल टूटने की संभावनाओं को भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली जब नंबर 2 का बाहुल्य हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन या फिर नेगेटिव थॉट्स के साथ परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में 2 नंबर का होना आपको भावुक बना सकता है, आपको एक हद तक पागलपन की हद तक भी आपको ले जा सकता है। 2018 जो है उसके अंदर डिफरेंट संख्याएं, उनके अर्थ को पहले समझते हैं। 2018 में शुरुआत में जो नंबर है वो 2 है, इसलिए उसकी स्थिति प्रमुख स्थिति है। उसमें आपको जो उसका प्रभाव है 2018 में वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2 संवेदनशीलता ग्रहणशीलता का प्रतीक है, आपको श्रद्धाव की भी आवश्यकता को पैदा करता है। ज्योतिष के अनुसार नंबर 2 मुख्य रूप से चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, जो भावनाओं, प्रवृत्ति, कल्पना और मातृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। संख्या 0 शून्य में गुप्त छिपी हुई ऊर्जा है, जिससे बुद्धिमानी रचनात्मक रूप से नियंत्रित करने की जरूरत होती है। 2018 में शून्य इन्फिनिटी का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे सामूहिक अंतरचेतन में बनने वाली नई ऊर्जा की अनदेखी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। 2018 में शून्य एक नई दिशा बनाने के लिए भारी क्षमता को इंगित भी करता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से यह ग्रह प्लूटो शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्लूटो एक शक्तिशाली लेकिन छिपी हुई ऊर्जा का स्वामी ग्रह है, जो जीवन के सारे गहरे सच्चाइयों से सामना करने के माध्यम में परिवर्तन को डिनोट करता है। शून्य की तरह प्लूटो ऊर्जा को विनाश की ओर से बाहर निकालने की इस साल में जरूरत है। जैसे सूर्य है, यदि हम सूर्य की एनर्जी को पॉजिटिव कार्य में भी ला सकते हैं और नेगेटिव कार्य में भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से जो 2018 में जो 0 इंगित करता है उसमें से यदि हम इसकी एनर्जी को पॉजिटिव साइड पर चैनलाइज करें तो पॉजिटिव साइड पर चैनलाइज कर सकते हैं, यदि नेगेटिव साइड पर चैनलाइज करें तो नेगेटिव साइड पर चैनलाइज कर सकते हैं। 2018 में नंबर 1 जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। चेतना, प्रकाश, उत्पत्ति, उद्देश्य, महत्वाकांक्षा, अहंकार और जितनी भी इस तरीके की क्रियाएं हैं वो उसकी जो शुरुआत है वो 1 नंबर से शुरू होती है। इसी नंबर से बाकी अन्य नंबर भी बनाए जा सकते हैं। ये 1 नंबर जो है अचल है, चाहे गुणा करें या खुद से विभाजित करें यह वही रहता है इसका, जबकि ऐसा किसी और अन्य नंबर के साथ में नहीं होता है। जो 2018 में 8 है, 8 की जो संख्या है वो शनि के साथ जुड़ा हुआ है। शनि ग्रह हमें कर्म के आधार अनुसार परिणाम देते हैं, हमें अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमें प्रेरणात्मक सार्वभौमिक ऊर्जा के गुण देते हैं। इस संख्या में गुप्त रहस्य, जादुई समारोह और समर्थता का मिश्रण देखने को मिलता है। इसलिए वर्ष 2018 नए आविष्कार, नई खोज या नई कृतियों के लिए एक अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। समझते हैं कि 2018 के लिए जो यदि हमें अपना जानना है कि हमारा वर्ष कैसे बीतेगा, सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत नंबर को कैसे निकाल सकते हैं ये समझना जरूरी है। आपका जो व्यक्तिगत नंबर है वो उन विषय और मुद्दों पर प्रकाश डालेगा जो आपके 2018 में सामने आएंगे।
आपको अपनी जन्मपति जन्मतिथि लिखकर उसमें व्यक्तिगत नंबर की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में समझिए। सर्वप्रथम जो आपका जन्मतिथि है जैसे 24/8/1974, सबको आप सम कर लीजिए, डेट को सम कीजिए, मंथ को सम कीजिए और जो बाद में ईयर का समय उनको सम कीजिए, उनको सबको आप सिंगल एकल नंबर पर रिप्रेजेंट करें। तो यदि वो एकल नंबर, यदि आप 24 जोड़ते हैं तो 6 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 5 हो गया, और यदि आप 1974 जोड़ते हैं तो 1 और 7 8 और 4 12 3 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल सम जो है जोड़ने के पश्चात वो 8 आता है, जो आपका उस जो आपका डेस्टिनी नंबर को या फिर लाइफ पाथ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप 2018 जो सिंगल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है वो जोड़ दीजिए, तो ये आपके लिए बन जाता है नंबर 1। तो आपके लिए जो सिंगल नंबर कन्वर्ट होके आया वो 1 आया। इसी तरह से डिफरेंट जातक जो डिफरेंट टाइम पे आपके पैदा हुए हैं उनको इसी तरह से अपने नंबर्स को जोड़कर सिंगल एकल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, उसके पश्चात 2018 के टोटल सम को उनको जोड़ देना है, तो जो आपका नंबर आएगा वो आपके लिए व्यक्तिगत नंबर कहलाएगा। जानते हैं कि व्यक्तिगत संख्या 1 के लिए 2018 किस तरीके से क्या क्या नए खुशियां क्या गम लेके आएगा इसके बारे में जानते हैं। जो नंबर 1 है वो शुरुआत का प्रतीक है, ग्रह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो 2018 में सफलता और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है, नया उद्यम शुरू करने का सही समय है, आपको अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना होगा, महत्वाकांक्षाएं उच्च रखने की आवश्यकता है, लेकिन अपने लक्ष्य और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। आपका जो व्यक्तिगत नंबर 1 है वो आपको अहंकार देगा, लेकिन आपको अपने अहंकार को अपने कार्य में सफलता पाने से अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। 2018 सफलता के रास्ते पर आपको नकारात्मक चुनौतियां भी आपके सामने लेके आएगा। इस साल आप अध्यात्म की तरफ और ज़्यादा आकर्षित होंगे, शांति और श्रद्धा बनाए रखना ही आपके लिए परिवार में खुशियां लाने का कारण बन सकता है, बच्चे अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छी मेहनत करेंगे, ये आपके लिए एक खुशी का कारण भी हो सकता है, आपका महिलाएं से समर्थन या महिला सहयोगी से आपको समर्थन फायदेमंद साबित होगा, आप अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 2018 के दौरान आप पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिक पलों का भी अनुभव कर सकेंगे। प्रेम प्रस्ताव सकारात्मक, यदि आप किसी को प्यार करते हैं, यदि आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आपके लिए वो सकारात्मक परिणाम देगा। 2018 के लिए आपके लिए अच्छा कलर लाल पीला नारंगी और सफ़ेद है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवान सूर्य की पूजा और रविवार के दिन सूर्य का फास्ट रखना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। सफलता की प्राप्ति के लिए यदि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप पूर्व दिशा की तरफ आप जॉब ढूंढें या फिर ट्रैवल करें, यह आपके लिए शुभकारी और कल्याणकारी रहेगा। 1 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर 2018 आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्ष होने की अच्छा साबित होने के लिए आपके लिए संभावना है। व्यक्तिगत संख्या 2 के लिए 2018 किस तरीके से रहेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत संख्या 2 चंद्रग्रह है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको भावात्मक बनाता है। नंबर 2 आपको रचनात्मक भी बनाता है, फोटोग्राफी और कला की तरफ प्रेरित करता है। बहुत अधिक भावात्मक या बहुत कम भावात्मक होना दोनों ही खतरनाक है, इसलिए अपने आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से लेने से पहले आपको ये सोच लेना है कि वो निर्णय आपके पक्ष में है या नहीं है, तो आपको अच्छे से विचार विमर्श करके वो निर्णय लेना है। 2 संख्या जो व्यक्तिगत संख्या 2 है उनके लिए जो टाइम है एक इम्पॉर्ट या जो समय है या ईयर है एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहेगा। कैरियर के साथ साथ वित्तीय मामलों में आपके लिए काफ़ी सारी रोमांचक घटनाएं सामने लेके आएगा। डायरी मोती आपको कला से संबंधित यदि व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें आप उच्च लाभ पा सकेंगे। कलात्मक नौकरियों में आपको जो व्यक्ति हैं जो जिनका प्रोफेशन कला है उनमें उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। माँ का समर्थन भी आपके अनुकूल परिणाम देगा। विवाहित लोगों के लिए सप्ताह ये जो ईयर है वो अच्छा साबित होगा, पारिवारिक जीवन खुशमय रहेगा। इस साल आप नए दोस्त भी बना सकते हैं, आपका जो सामाजिक चक्र है वो उसका उसमें विस्तार भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ऐसे सब ये जो साल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने काम के साथ साथ उचित आहार और आराम की भी आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप अपना ईयर व्यतीत करेंगे, आपके लिए शुभकारी रहेगा। 2018 के लिए आपके लिए अच्छा रंग जो व्यक्तिगत नंबर 2 है उनके लिए जो अच्छा रंग है वो सफ़ेद है। सोमवार के दिन भगवान शिव और गणेश की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सफलता की दिशा आपके लिए दक्षिण पश्चिम की दिशा है, 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए शुभकारी रहेगा। ओवरऑल 2018 आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने की संभावना है। व्यक्तिगत संख्या 3 लोगों के लिए 2018 कैसा रहेगा इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत संख्या 3 बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि
आत्म अभिव्यक्ति आत्मबुद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। 2018 में आपको अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, साबित करने के लिए कि आप एक आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हैं, कुछ कठिनाइयां आपके रास्ते में आती हैं, आप उनसे डरते नहीं हैं, ये साबित करने के लिए एक अच्छा समय है। गृह गुरु स्वास्थ्य धन और विवाह के साथ जुड़ा हुआ है, अतः अपने इस समय अच्छा समय है, तो अपना ध्यान काम पर केंद्रित करके अपने प्रयासों से अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। वर्ष के शुरुआत में आपको अपने भविष्य की थोड़ी बहुत चिंता सता सकती है, आपको एक ही प्रकार का रूटीन बोर भी कर सकता है, लेकिन आपको 2018 में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका भाग्य इस वर्ष आपको अजय बनाने में एक महान भूमिका निभाएगा। अनावश्यक गतिविधियों और बेकार के संबंधों पर अपनी ऊर्जा आपको नहीं बर्बाद करनी है। इस साल में आप बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। 2018 में आप काफ़ी दान दक्षिणा की तरफ भी प्रेरित होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रशंसा भी मिलेगी। वित्त के संबंध में इस साल आपको कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी। इस साल आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय और यादगार समय व्यतीत कर पाएंगे। स्वास्थ्य के पक्षेपे से यह 2018 एक अच्छा साल व्यतीत होगा। 2018 के लिए व्यक्तिगत नंबर 3 के लिए जो अच्छा रंग है वो पीला और सफ़ेद है। भगवान बृहस्पतिवार की पूजा करना आपके प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करेगा। सफलता के लिए जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनना भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 2018 आपके लिए एक विशेष साल साबित होगा। व्यक्तिगत संख्या 4 के लिए 2018 किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। व्यक्तिगत संख्या 4 जो ग्रह राहु का है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपका मुख्य उद्देश्य कड़ी मेहनत करना ही रहेगा। आप आलस को दूर करके लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। केवल कड़ी मेहनत और अच्छे संगठनात्मक कौशल ही आपके इच्छित लक्ष्यों और उच्च परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। नकारात्मक कार्य से आपको बचने के लिए डर और आध्यात्मिक होना पड़ेगा। 2018 में 4 संख्या वाले लोगों के लिए एक स्मूथ वर्ष साबित नहीं होगा, क्योंकि इस साल आपको सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करने की संभावना है। निजी और करियर जीवन तनाव से ग्रस्त हो सकता है, परंतु याद रखें कि नकारात्मक जो थॉट्स हैं वो केवल दुर्भाग्य लेके आएंगे। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पड़ेगी। एकाग्रता में सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। घरेलू जीवन में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं, परंतु आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। योग और ध्यान रोजाना करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। माँ के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस वर्ष आपके लिए अच्छा जो रंग है वो नीले रंग का है। भगवान राहु और काल भैरव की पूजा करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। सफलता प्राप्ति के लिए दक्षिण पश्चिम की दिशा आपके लिए है। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल 2018 आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। व्यक्तिगत संख्या 5 के लिए 2018 किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में बताता हूँ। व्यक्तिगत संख्या 5 जो ग्रह बुध का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब है यात्रा करने का समय, अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना और नए विचारों का उद्गम और संभवतः काम की जगह में बदलाव। इसका मतलब है कि विकसित होने के लिए और विकसित कराने के लिए समय उचित है। ग्रह बुध अध्ययन बुद्धिमान और बौद्धिक वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्तिगत संख्या 5 वाले छात्रों के लिए 2018 एक अच्छा वर्ष व्यतीत होगा। नंबर 5 के लोग इस दौरान मिश्रित संभावनाओं को देखेंगे। कार्यस्थल पर बहस से बचना है। संबंधों में श्रद्धा बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए लोगों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए यथासंभव जो भी हो सके आप प्रयास करें। आपको अपने फिनांस को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि वित्त संबंधी मामलों में 2018 आपके लिए अच्छा रहेगा, ये एक उम्मीद की जा सकती है। 2018 के लिए जो अच्छा रंग है वो आपके लिए हरा रंग है। बुधवार के दिन आपको उपवास रखते हुए भगवान गणेश और भगवान बुद्ध की पूजा करके आप अपने प्रयासों में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता के लिए जो आपकी डायरेक्शन है वो उत्तर की है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके लिए आपको शुभकारी रहेगा। व्यक्तिगत संख्या 5 के लोगों को 2018 में धीरज रखने की जरूरत पड़ेगी, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बात करते हैं व्यक्तिगत संख्या 6 के लिए 2018 किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। व्यक्तिगत संख्या 6 जो ग्रह शुक्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है, जो प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है। 2018 शादी के हिसाब से बच्चों के जन्म के लिए, नया परिवार शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। भगवान शुक्र मनुष्य को सुंदरता और धन देता है, इसलिए यदि आप बेडोल हैं तो अपने वापस से शेप में आने के लिए तैयार हो जाएं। 2018 आपको ये मौका देगा। 2018 में आपको आनंददायक विवाहित प्रेम संबंध आप के जीवन का आप आनंद ले सकते हैं। आप इस साल उस प्रेम को पा सकेंगे जिसकी कल्पना और जिसकी कामना आप कुछ वर्षों से करते हैं। 6 नंबर के लोग 2018 में हर तरीके के मनवांछित फलों की प्राप्ति करने के लिए थोड़े से अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ अच्छे अवसर आपके रास्ते में आएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से ही
केवल ऐसा नहीं है कि वो कड़ी मेहनत से ही आप पा पाएंगे, आपको अवसरों का लाभ पाने के लिए आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उन अवसरों को समझना पड़ेगा कि वो अवसर कब आए, आपको इस साल अपने माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं बनना है। 2018 आपके लिए समाजीकरण और जश्न मनाने का साल होगा, परिवार में कई प्रकार के समारोह भी हो सकते हैं। 2018 के लिए जो आपके लिए अच्छा रंग है वो सफ़ेद और नीला रंग है। शुक्रवार को उपवास रखना, वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से आपके प्रयासों में सफलता सुनिश्चित होगी। सफलता की दिशा दक्षिण पूर्व की दिशा है, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। कुल मिलाकर नंबर 6 वाले लोगों यदि 2018 में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है। बात करते हैं व्यक्तिगत संख्या 7 के लोगों के लिए 2018 किस तरीके से रहेगा। व्यक्तिगत संख्या 7 ग्रह नेपच्यून केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे लिए आध्यात्मिक विकास के लिए उत्पन्न होने वाले अवरोध को हटाता है। नंबर 7 आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। 2018 का समय ये वह समय है जिस समय आपको आराम करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए। अतीत के अच्छे कर्मों का आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। काम के फ्रंट पर आप इस साल कुछ जो आपने आशा भी नहीं कही थी इस तरीके के आपको लाभ अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो वेतन की वृद्धि के साथ साथ पदोन्नति भी हो सकती है। व्यापारी वर्ग इस साल अप्रत्याशित लाभ कमा सकते हैं। घर पर समारोह होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में आपको प्यार मिलेगा, फैमिली मेंबर्स आपके कार्यों को सहारेंगे। आपको चाहिए कि अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें, खुद को एक आनंददायक रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करें। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 2018 में आध्यात्मिक विकास की संभावना है, साथ साथ आपकी दिलचस्पी गुप्त ज्ञान में भी बढ़ सकती है। साल 2018 के लिए अच्छा कलर आपके लिए सफ़ेद है। सोमवार को उपवास रखना, ग्रह केतु भगवान गणेश की पूजा करना आपके प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करेगा। सफलता की दिशा उत्तर पूर्व की दिशा है। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए शुभकारी होगा। कुल मिलाकर यह साल 2018 आपके सकारात्मक आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करेगा। बात करते हैं व्यक्तिगत संख्या 8 के जातकों के लिए 2018 किस तरीके से रहेगा। व्यक्तिगत संख्या 8 शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्याय का स्वामी है। 2018 में आपके विगत वर्षों के कर्मों के परिणाम प्राप्त करेंगे। कर्मों के आधार पर किए गए कार्यों के कारण आप 2018 में कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं, लेकिन सकारात्मक विचारों से सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। 2018 में संख्या 8 के लोगों के प्रगति के मैदान मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ आ सकती हैं। पिछले नकारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां आपको तनावग्रस्त भी कर सकती हैं। जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से वो हो पाए। आपको कई प्रकार की देरियां और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को अध्ययन और एकाग्रता की कमी के साथ साथ बहुत सारी अन्य कठिनाइयों का सभी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से साल में आपको थोड़ा सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। गलत जीवन शैली कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान या पैदा कर सकती हैं। 2018 के लिए आपके लिए अच्छा कलर जो है वो नीला है। शनिवार को उपवास रखें, शनिवार को छायादान करना, भगवान शिव की पूजा आराधना करना आपके प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करेगा। सफलता की जो डायरेक्शन है वो पश्चिम की डायरेक्शन है। 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए शुभकारी रहेगा। ओवरऑल 2018 व्यक्तिगत संख्या 8 के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। बात करते हैं व्यक्तिगत संख्या 9 के लोगों के लिए 2018 किस प्रकार के सुख या दुख लेके आएगा, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। व्यक्तिगत संख्या 9 मंगल ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एक ज्वलंत प्लैनेट है, परिवर्तन और अंत के लिए भी जिम्मेदार है। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप इस साल अपनी लंबित गतिविधियों को पूरा करेंगे। 2018 में एक नया चक्र शुरू होगा, इसलिए आपको अपने आप को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। 2018 संख्या 9 के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आएगा, जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा। आपकी सफलता की दर में वृद्धि हो सकती है, आय के नए स्रोत आप बन सकते हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, वरिष्ठ और सहकर्मियों की प्रशंसा भी आप जीतेंगे, आपका व्यवसाय आपको कुछ आश्चर्यजनक लाभ भी दे सकता है। इस वर्ष अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप दान या मानवतावादी गतिविधियों में कर सकते हैं। राजनीतिक और एथलीट जो नंबर 9 से रिलेटेड लोग हैं वो अपने करियर में इस साल उन्नति पा पाएंगे। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। शादी के भी योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन आनंदित होगा। परिवार में खुशियां, सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। 2018 के लिए अच्छा रंग जो है वो लाल और सफ़ेद है। मंगलवार का उपवास रखना, भगवान हनुमान जी की पूजा करना आपके प्रयासों की में सफलता को सुनिश्चित करेगा। सफलता की जो डायरेक्शन है या दिशा है वो दक्षिण की दिशा है। 3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। ओवरऑल 2018 व्यक्तिगत संख्या 9 वाले लोगों के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। तो ये थे आपके
2018 के प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी व्यक्तिगत संख्या। आने वाला साल आपके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, सभी के लिए, सभी नंबर्स के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।